नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, INT टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हल्के असेंबली चार मीनार के तहत प्राणापुर डिवीजन में 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इलाके का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात भी की। इस दौरे में रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी, पुराने पुल के कारपेटर राजमोहन, शाली बंडे के कारपेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर, पत्थरगड्डी के कारपेटर सोहेल कादरी, दबीपुरे के कारपेटर रियाजुल हसन अफंदी, साबिक कारपेटर मुकरम अली, मोहसिन बलाला, सरगर्म कारकुन मिर्जा रहमत बेग, सरफराज आलम के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमराह थी। आज पुराना पुल डिवीज़न में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह दिए, जिसमें रोड है, SW ड्रेन है, सीवर लाइन है और हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज में दो बड़े बिल्डिंग है, एक ऑडिटोरियम है, एक क्लासरूम है। एक करोड़ 40 लाख का है, दूसरे भी ऑडिटोरियम भी 1 करोड़ 40 लाख के है। तकरीबन दोनों मिला के 2 करोड़ 80 लाख की लागत से काम हो रही। आज मुख्तलिफ बस्तियों में नकीब मिलत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस ने तफसीली दौरा करके हर काम का इफ्तिताह किया, मुकामी लोगों से मुलाकात की और मजीद उनकी शिकायतों की समाअत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई के लिए दिन रात जद्दोजहद करती जा रही है। आज के इस प्रोग्राम में एरिया कारपोरेटर राजमोहन साहब, शाली बंडा कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब, पत्थरगड्डी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब और दबीरपुरा कारपोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल साहब मुगलपुरा के अलावा साबिक कारपोरेटर मुकरम अली साहब और मोहसिन बलाला भी शरीक थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन मुहिबान मजालिस की काफ़ी तादाद इसमें शरीक थी। नकीब मिलत का 2 घंटे से ज़्यादा का दौरा मुकम्मल कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचा। मजीद आगे भी तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा, जो बदस्त नकीब मिलत असदुद्दीन अवैसी साहब अमल में आएगा। इस तरीके से अवामी मसाइल को एकसुई करके अवाम को वाकिफ कराना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। जहाँ काम होता है वहाँ के लोग तो जानते हैं, लेकिन आपके चैनल के जरिए दीगर इलाकों के लोग को भी वाकिफ करना है कि चार मीनार असम्बली हल्का एक तारीखी हल्का है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम के जरिए आवाम को सहूलत पहुँचाई जाती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।